किराएदार है ते तेल मैं भी गल जरूर करांगा। ओए मैं भी ते किराएदार हां। ओए तू हर साडी ना बता ले अगर बख्शू एनू। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे मेरा YouTube चैनल ड्राइवर एंटरटेनमेंट प्लस। अज जी मैं मालूमात तो देन जा रहा, मेरा ख्याल है इस तो पहले एक किसी ने तुम मालूमात नहीं दी होनी। इकबाल हसन की ऐसी एक फिल्म है जिड़ी कि अपने दौर की सुपरहिट फिल्म सी, और इस फिल्म तो मुतासर होकर इस फिल्म की कहानी तो मुतासर होकर इस कहानी उत्ते चार फिल्मा बनिया सी। नाजरीन इस फिल्म उत्ते इस कहानी उत्ते चार फिल्मा बनिया सी और चारों अपने दौर दियाँ हिट फिल्मा हुई। सब तो पहले 1942 इस कहानी ते जड़ी फिल्म बनी है उसका नाम सी शारदा। और इस फिल्म का जड़ा हीरो सी उसका नाम सी वास्ती। इस फिल्म की जड़ी बेसिक कहानी सी वो है कि तालीम कितनी जरूरी है औरतों वास्ते। इस मौजू बुला के यह फिल्म बनाई गई सी और 1942 यह फिल्म अपने दौर की हिट फिल्म सी और बड़ी अच्छा इसने रिस्पांस दिता है और बड़ा अच्छा बिजनेस किया। उस तो बाद ठीक 18 साल बाद यानी कि 17 जून 1960 इस फिल्म की कहानी ते दोबारा फिल्म बनाई गई और उस फिल्म का नाम रखा गया सलमा। इस फिल्म के जेड़े अदाकार सन अलाउद्दीन सी, बहार सी, एजाज सी, इन सब एक्टर ने बड़ा ही जानदार और बड़ा ही शानदार काम किया है। और एक अनपढ़ और बुद्धू इंसान की कहानी सी और इस फिल्म के अंदर अलाउद्दीन ने हीरो का करैक्टर अदा किया है और अलाउद्दीन की बतौर हीरो ये पहली फिल्म सी। अलाउद्दीन ने बड़ी ही अच्छी एक्टिंग की है जिसकी वजह तो यह फिल्म उस दौर ही सुपरहिट रही। इस फिल्म के जो डायरेक्टर सन इशफाक मलिक सन, फिल्म साज इशफाक मलिक सन और एदे मुसनफ सन नज़ीर अजमेरी। और यह अपने दौर की सुपरहिट फिल्म सी और इसने बड़ा ही अच्छा बिजनेस किया। फिर उस तो बाद 22 मार्च 1974 दोबारा इस फिल्म नू दोबारा इस कहानी को बनाने का फैसला किया गया है और इस पंजाबी विच बनाया गया है और इस फिल्म का नाम सी भोला सजन। और गावा साहब, और पहले मैं सारे गावा का मतलब तो समझाओ खान साहब। बचड़िया सात सुरां बनिया ने, पहला सुर भी सात या। इस फिल्म के अदाकार सन इकबाल हसन, आसिया, दीबा, एजाज, अदीब ते मुनव्वर ज़रीफ। हदायत इशफाक मलिक, फिल्म साज इशफाक मलिक, मुसन्निफ नज़ीर अजमेरी ते म्यूजिक दिता सी मास्टर तुफैल ने। इस फिल्म के अंदर इकबाल हसन ने अलाउद्दीन वाला रोल किया सी और आसिया ने बाहर वाला रोल किया सी। और खुशकिस्मती है वेखो कि यह फिल्म तीसरी दफा भी सुपरहिट रही और इकबाल हसन और आसिया के अच्छे काम की वजह तो यह तीसरी दफा भी सुपरहिट रही। और इस तो बाद दोबारा इस अदायतकार जावेद फाजल ने दोबारा इस फिल्म नू साइमा दे नाम तो बुलाया। और लाके देखो कि चौथी दफा भी ये फिल्म सुपरहिट रही और इसने गोल्डन जुबली की थी। इस फिल्म के अदाकार सन नदीम, बाबरा शरीफ, बाजगा, राहत काजमी, बहार, कवि, लहरी ते नजमा महबूब। हदायत मोहम्मद जावेद फाजल, मुसन्निफ नज़ीर अहमद, म्यूजिक निसार बजमी, एदे फिल्म साज सन राशिद जावेद ते अता बुजदार। और लाके वेखो कि यह चौथी दफा भी सुपरहिट रही और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी। नाजरीन बड़ी अच्छी फिल्म सन चारों जड़ियाँ फिल्म तरतीब नाल दसियां, बड़ी अच्छा फिल्म सन, कहानी एक सी। और तुसी यह वेखो कि कितनी मजबूत कहानी है कि जदों भी इस कहानी ते फिल्म बनी है उसने जबरदस्त बिजनेस किया। और अगर तुहानू ये मेरी मालूमात अच्छी लगी होवे मेरे चैनल नू लाइक करो, सबसक्राइब करो ते शेयर करो ते चंगा दिया कमेंट्स भी कर दिता करो।
लाइक भी कर दिता करो, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं थोड़े लै सकता। नैक्सट वीडियो तक रब रखा।